हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 4 पार्ट्स में हम लेसन रीड कर चुके हैं। आज हम लेसन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। शुरुआत वर्ड मीनिंग्स से करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 1, कॉलोनाइजेशन, इसका अर्थ होता है औपनिवेशीकरण। वर्ड मीनिंग नंबर 2, सोर्सेज, स्रोत। वर्ड मीनिंग नंबर 3, सर्वे, सर्वेक्षण। वर्ड मीनिंग नंबर 4, एविडेंस, सबूत। वर्ड मीनिंग नंबर 5, कैलीग्राफिस्ट, सुलेखकार। वर्ड मीनिंग नंबर 6, सिविलाइजेशन, सभ्यता। वर्ड मीनिंग नंबर 7, सब्जुगेशन, अधीनता या दमन। वर्ड मीनिंग नंबर 8, कंटेम्पोरेरी, समकालीन। वर्ड मीनिंग नंबर 9, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। वर्ड मीनिंग नंबर 10, हिस्टोरियन, इतिहासकार। वर्ड मीनिंग नंबर 11, फिलोसफर, दार्शनिक। वर्ड मीनिंग नंबर 12, एंशियंट, प्राचीन। वर्ड मीनिंग नंबर 13, मेडिवल, मध्यकालीन। वर्ड मीनिंग नंबर 14, सेंचुरी, शताब्दी। वर्ड मीनिंग नंबर 15, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। वर्ड मीनिंग नंबर 16, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। वर्ड मीनिंग नंबर 17, ट्रीटी, संधि। वर्ड मीनिंग नंबर 18, म्यूजियम, संग्रहालय। वर्ड मीनिंग नंबर 19, प्रिजर्वेशन, संरक्षण। वर्ड मीनिंग नंबर 20, प्रोविंस, प्रांत। वर्ड मीनिंग नंबर 21, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वर्ड मीनिंग नंबर 22, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। बच्चों, अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द मॉडर्न पीरियड एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम द, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18th century टू कंटेम्पोरेरी टाइम्स, आधुनिक काल। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी से समकालीन समय तक माना गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, जेम्स मिल रोट ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। तो बच्चों, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। जेम्स मिल ने ये किताब लिखी थी 1817 में। इस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। थर्ड क्वेश्चन इज, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन टू, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री। निम्न में से कौन उस प्रथा की तरफ इशारा करता है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, कॉलोनाइजेशन, यानी के औपनिवेशीकरण। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली। निम्न महिलाओं में से कौन सी पहली
महिला थी जिसने बंगाली में आत्मकथा लिखी? तो बी ऑप्शन राइट होगा, रास सुंदरी दासी। बच्चों अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हिस्ट्री इज ओनली अबाउट द पास्ट फैक्ट्स। इतिहास केवल अतीत के तथ्यों के बारे में है। ये स्टेटमेंट फाल्स है क्योंकि इतिहास अतीत के लोगों, स्थानों और घटनाओं का क्रमवार रिकॉर्ड है, डेट वाइज रिकॉर्ड है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फाल्स। सेकंड स्टेटमेंट इज, जेम्स मिल वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर। जेम्स मिल एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ये स्टेटमेंट भी फाल्स है क्योंकि वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। स्टेटमेंट नंबर थ्री, द ब्रिटिश वर कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस। अंग्रेज लोग भारतीयों के कल्याण के बारे में चिंतित रहते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फाल्स। वो केवल अपने फायदे की ही सोचते थे। स्टेटमेंट नंबर फोर, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो सरकारी रिकॉर्ड हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशीकरण क्या है? कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्री और अदर कंट्रीज। उपनिवेशीकरण उस प्रथा की तरफ इशारा करता है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली देश दूसरे देश अथवा देशों पर अधिकार कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु वाज रास सुंदरी दासी। रास सुंदरी दासी कौन थी? आंसर, रास सुंदरी दासी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली इन 1876। रास सुंदरी दासी पहली भारतीय महिला थी जिसने 1876 में बंगाली में अपनी आत्मकथा लिखी थी। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अंग्रेज लोग सरकारी कागजातों को कहाँ सुरक्षित रखते थे? आंसर, ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स एस्टेब्लिश्ड बाय देम। अंग्रेज सरकारी रिकॉर्डों को, सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागारों और संग्रहालयों में सुरक्षित रखते थे जिनकी स्थापना वो खुद करते थे। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या महत्व है? आंसर, हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज। इतिहास हमारे लिए निम्न तरीकों से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट, इट टेल्स अस हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड, यह हमें बताता है कि वर्तमान कैसे उदित हुआ। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर कस्टम्स रिलीजन्स एक्सेट्रा। पॉइंट फोर, इट इज हेल्पफुल इन गेनिंग द नॉलेज
of continuous development of human culture and civilization. यह मानवीय सभ्यता और संस्कृति के लगातार विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में हमारा सहायक है. पॉइंट नंबर 5, इट हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड मोल्ड अवर फ्यूचर इन ए बेटर वे. यह अतीत के अनुभवों से सीख लेने में और हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करता है. पॉइंट नंबर 6, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द सोसाइटी. यह समाज के आधारभूत प्रकृति को समझने में हमारी मदद करता है. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.